कि मार दिया है तुमने इंद्रदेव को, मार दिया है तुमने इंद्रदेव को जात पात की टक्कर में। गहलोत सीएम नहीं बनोगे तुम 5-25 के चक्कर में। जालौर के इंद्र मेघवाल के साथ हुई घटना के विरोध में लोगों की ओर से 16 अगस्त को झुंझुनू जिले में जगह जगह आक्रोश रैली निकाली गई। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में रामदेव मंदिर से शुरू हुई आक्रोश रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची। एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी एससी वर्ग के लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। मूछ रखने पर, घोड़ी पर बैठने पर, अब जालौर में एक मासूम बच्चे के घड़े में से पानी पीने की ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इंद्र मेघवाल के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार के सभी लोगों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शन में खैलेराम टोडी, रोहितास मेघवाल टिटनवाड़, सुरेश खारडिया मंडावरा, मिठूराम राठी, राजेंद्र कुमावत, राजीव गोरा, पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा मंडावरा, अर्जुन मेघवाल नांगल, पंचायत समिति सदस्य बसंत चौधरी, संदीप जिंदगर, सतपाल मावलिया, दिलीप असवाल, एडवोकेट मोतीलाल सैनी, राजेंद्र ढेनवाल, जितेंद्र राठी, मुकेश राठी, कमल डांडिया, दीप कनवा, लोकेश राठी, जमन डेंडवाल, राधेश्याम रचेता, हरिकिशन राठी, कैलाश तेवर, तमर राजेंद्र शेरावत सहित कई लोग शामिल थे। कि मार दिया है तुमने इंद्रदेव को, मार दिया है तुमने इंद्रदेव को जात पात की टक्कर में। गहलोत सीएम नहीं बनोगे तुम 5-25 के चक्कर में। मार दिया है तुमने इंद्रदेव को, मार दिया है तुमने इंद्रदेव को जात पात की टक्कर में। गहलोत अब सीएम नहीं बनोगे इस 5-25 के चक्कर में। आप बड़े लोगों से चलते हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, हमारा साथी ना हाथ है ना फूल है, हमारा साथी ना हाथ है ना फूल है। अरे समाज वालों अब तो समझ जाओ, वरना हमारी आगे की भविष्य की बड़ी भूल है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जब भी हमारे साथ में घोर जघन्य अन्याय होता है, वो एक जात के नाम से होता है। जीतू को जात के नाम से मारा गया, गुजरात में घोड़ी पर चढ़ते हुए दूल्हे को, एक शौकीन भाई को जात के नाम से मारा गया। अब मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। यहाँ भी हमारे दिखावे भी भले ही छुआछूत न हो, लेकिन इन हमारे ऊंचे वर्ग के लोगों को अपने आप को बड़ा समझते हैं। उनकी मानसिकता यही बनी है कि इनको मानसिक तौर से हम वही समझे, वही करने जाते हैं। क्योंकि हमारा बिखराव, जब जब भी हमारा बिखराव सोचकर इनका हौसला बुलंद होता है। लेकिन ये हौसला बुलंद करने वालों, हम किसी भी पार्टी में कहीं भी है, कोई भी समाज हो, इस समाज के सबके बहुत गंभीर पीड़ा है। हमें बदलना भी आता है तो बदल बनाना भी आता है। आपने जात के नाम से इंद्र को मारा, आपने जात के नाम से जीतू को मारा। अरे जात वालों, जात के नाम से हमारे साथ अन्याय करते हैं, लातों से, मुक्कों से, डंडों से, मानसिक तलवार से, चाकुओं से। हमारे पास तो बाबा साहब को दिया हुआ एक बहुत बड़ा हथियार है, वो मत का हथियार। अगर हमें जात के नाम से मारते हैं तो इस राजस्थान में जात के नाम वालों को क्यों नहीं मिटाते हो आप? इनको जात के नाम से सबक सिखाने की कोशिश करो। मैं इतना ही कहकर हम सारे के सारे जो राजस्थान के हमारे विभिन्न संगठन, समाज के लोगों की जो कड़िया, जो दिशा निर्देश होंगे, उनके मुताबिक आज उदयपुर वाटी में सारे भाइयों ने बड़ी हिम्मत के साथ में, बड़े दुख दर्द के साथ में, सब कुछ भूलते हुए, वो एक इंद्रदेव की चोट नहीं थी, सबके कलेजे में वो चोट के निशान पड़ चुके हैं। मैं यही इस निशानों को याद करने के लिए आप सबसे नतमस्तक प्रणाम करते हुए यही कहना चाहता हूँ, आप संभल कर ऐसे लोगों को बदलते रहोगे तो हमारा ध्यान करते रहेंगे, वरना इनके गुलाम बनकर करते रहोगे तो यूं ही इंद्रदेव कुर्बान होते रहेंगे। जय भीम। सभी क्रांतिकारियों को जय भीम।
मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आज हमारे जो समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए, आप सभी को पता है कि आज हमारे जो समाज का एक बच्चा अबोध बालक है, उसकी मृत्यु हुई है। वो किस कारणवश हुआ? जातिवाद के कारण हुआ। वो बच्चा एक पानी का गिलास ही तो पिया था, उसने कोई अन्याय तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी जातिवाद पे हम लोगों को मारा गया है। तो मैं ये सरकार से चाहती हूँ कि हमारे लोगों को न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि उस बच्चे के परिवार को नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए मिले और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इतना ही कहकर मैं जय भीम जय भारत। नौजवान साथियों, बता देना चाहता हूँ मैं राजस्थान सरकार को, मुखिया गहलोत जी को, आप कौन से नॉर्मस तैयार करते हो, कौन से नियम तैयार करते हो? जब एक कन्हैयालाल जैनर की हत्या की जाती है, उसे आप 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी दी जाती है, और एक दलित का बच्चा खत्म होता है जो ना समझ बच्चा था, उसके लिए 5 लाख रुपए। आपके विधानसभा में बैठ के आप कैसे तय करते हो, कम से कम ये तो बताओ। अरे क्या 5 लाख रुपए दोगे? 5 लाख रुपए के तो विकास कुमार की घोड़ी बनी हुई है, क्या 5 लाख रुपए देंगे आप? आपकी सरकार पास ये बजट नहीं है तो हमें बता दो, बजट हम दे देंगे। और गहलोत सरकार को बता देना चाहता हूँ, अगर आप 50 लाख की बात नहीं, 99 लाख 99 हजार भी नहीं चलेंगे, पूरे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इंद्र कुमार को, पूरे 1 करोड़ रुपए। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और आने वाले 2023 में आपकी यह दशा कर देंगे कि चिमनी के चालन भी आपको विधायक नहीं मिलेंगे सरकार बनाने के। और यहाँ के हमारे नुमाइंदे, हमारे पूर्व विधायक जो पिछले दिनों में आजादी का पूर्व महोत्सव और तिरंगा रैली निकाल रहे थे, और हमारे घर में इंद्र कुमार की लाश पड़ी हुई थी, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि इंद्र कुमार की लाश पड़ी हुई है? उसको प्रोग्राम पोस्टपोन करना चाहिए था और इंद्र कुमार के लिए हमने बीच में आना चाहिए था। और हमारे वर्तमान मंत्री, कहना चाहता हूँ वर्तमान मंत्री को भी, जब शिखर में गोली उठी थी, आप वहां जाकर के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। और जिस समाज से आप जीते हो, जिस समाज से आप मंत्री बनते हो, आज आपका खून कैसे सो गया, खून कैसे ठंडा हो गया? पूरा दलित समाज रोड पे है और उदय प्रवाटी में रोड पे आपकी बात देख रहा है। अगर आप जिनसे वोट लेकर सरकार बनाते हो तो आप उनकी मदद भी कर सकते हो। नौजवान साथियों, दोनों पार्टियों को सलाह दो, एक बार दोनों पार्टियों को सलाह दो। पार्टी हमारी पार्टी वही है जो इंद्र कुमार की बात करेगा और हमारी न्याय के साथ देगा। नौजवान साथियों, दबने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, सरकार को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से सरकार मानती है तो ठीक है, और ज्ञापन के माध्यम से सरकार नहीं मानती है तो इनके गेट भी तोड़ेंगे और इनके ताले भी लगाएंगे, इन अधिकारियों को बाहर भी निकालेंगे। या तो सरकार चेत जाए, या तो समय रहते सरकार चेत जाए। हमारे पाना चंद जी मेघवाल ने इस्तीफा दिया है, एक वो विधायक है भी वो जा रही थी वहाँ, उसकी गाड़ी में पथराव किया है, ममता मेघवाल की गाड़ी में पथराव किया गया है, एक हमारा लाल चला गया। और हम नहीं मानते हैं तो हमारे साथ लाठी, हमारे ऊपर लाठी चलाई जाती है। क्या इंद्र कुमार मेघवाल का खून कम पड़ गया था क्या? तो उसके परिवार पे लाठी चला करके आपने सिर खोड़ने का काम किया। पुलिस प्रशासन कितनी लाठी चलाता है आज देखते हैं, लाठी चलाते हैं, गोले चलाते हैं, रोहतास कुमार मेघवाल का सीना तैयार है सबसे पहले। और लोग बता रहे हैं कि विधायक जी कह रहे थे मेरा पहला प्यार, अरे वो पहला प्यार होता तो आज आप हमारे बीच में आते, किसी का पहला प्यार नहीं, सब वोट की राजनीति करते हैं, सबको वोट चाहिए और वोट देने के बाद में कोई हमारे को पूछता नहीं है। तो आपको जागना है और सचेत हो जाओ, आज के बाद में जो अपने बात करेगा वही अपना देता है। जय हिंद जय भी। अगले वक्ता के रूप में पंचायत समिति सदस्य विकास जी हुड्डा, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी नेता। और कोई भी कोई वक्ता मेरी नजर में छूट। अगले वक्ता के रूप में मैं खेमचंद राठी को, अगले वक्ता के रूप में मैं खेमचंद राठी को बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पे है और वो भी 2 शब्द कहे। खेमचंद राठी और ये ज्ञापन देने से पहले कोई इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि ये संख्या बल ही एक ज्ञापन में जान डालेगा। भाई खेमचंद जी राठी नहीं आ रहे? जिला परिषद सदस्य सतपाल जी मावलिया,
यहाँ है तो अपने बीच में आकर के भाई लागे और इस टीम बागू है थाने से बचन बाती बच्चा कर लो इस टीम आए क्या अपन जगह और किन्हें क्या अपन कुछ घोषणा कर दो एसडीएम को ही ज्ञापन देंगे उसके प्रतिनिधि को ज्ञापन नहीं देंगे चाहे वो दो घंटे पुलिस वाले ये सुन रहे हैं तो ये ध्यान रख लें कि एसडीएम के जरिए ही ज्ञापन जाएगा बाकी किसी चपरासी या बाबू के जरिए नहीं जाएगा इसको ज्ञापन नहीं देंगे।